अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खैर मकदम है आपको हमारी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लैंड ऑफ कश्मीर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शीप को कौन सा चारा देना चाहिए जिससे हमारे भेड़ों को ग्रोथ हो जाए और क्या क्या देना चाहिए वो इस वीडियो हम शो करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमने लाए एक टब, उसमें हमने गेहूं का चोकर और राइस का छिलका को मिक्स करके रखा है पहले से ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे शलजम, मगर इनको छोटी छोटी पीसेस करने हैं। हमने पहले ही इसको पीसेस बनाए हैं छोटे छोटे। उसके बाद हमको इसमें ऐड करना है नमक। नमक आप चारे के हिसाब से ऐड करोगे, जितना आपका चारा होगा उसी के हिसाब से आपको नमक भी ऐड करना है। हम इसमें आधा किलो नमक ऐड करेंगे। नमक हमने ऐड किया आधा केजी। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे सीरा, जिसको हम राब कहते हैं। राब को हमें पहले पानी में डालना है, लेकिन गर्म पानी में मिक्स करना है इसको। गर्म पानी में डालने से ये फ़ायदा मिलता है किसान भाई को, जल्दी मिल जाती है पानी से। अगर हम इसको ठंडे पानी में मिक्स करेंगे इसको मिक्स होने में टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए गर्म पानी ही यूज़ करना जब भी मिक्स करोगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक ये पानी से ना मिल जाए, तब तक मिक्स करके रहेंगे। कुछ किसान भाइयों का सवाल जहन में आया होगा, राब क्यों यूज़ करते हो? राब हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि राब का तासीर जो है वो गर्म होता है। सर्दियों में राब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और हमने ये पूरा मिक्स किया, अब इसमें मिक्स करेंगे, टब में डालेंगे इसको। एक तो बॉडी मेंटेन रहती है, गर्म रहती है, दूसरा जो हमारी फीमेल शीप्स है उनके जो बच्चे हैं उनको दूध मिलता है। राब देने से दूध बढ़ता है फीमेल शीप को। अब हम इसमें एक बाकेट पानी मिक्स करेंगे। पानी भी हमने गर्म डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मगर मिक्स बढ़िया तरीके से करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। मिक्स करने के लिए हमने लिया है एक बेलचा। हाथ से ये मिक्स नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने बेलचा लिया। बेलचे से मिक्स करेंगे इसको, बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे इसको। इसमें अब और एक बाकेट हम पानी मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। अभी भी इसमें पानी कम है, अब और एक बाकेट डालेंगे इसमें। ये अच्छे से मिलना चाहिए, जब अच्छे से मिलेगा तो भेड़ को ये खाने में फिर बहुत अच्छा लगेगा, फिर वो बहुत मज़े से खाएंगे इसको। इतना चारा हमें 15 शीपों को देना है, बच्चों के बगैर 15 शीपों, लगभग 15 शीप है उनको देना है। वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे उनको डालेंगे और कैसे खाएंगे वो। मिक्स ये लगभग कंप्लीट हो गया है, मिक्स कंप्लीट हो गया है, अब ये उनको देना है। अब ले जाएंगे वहाँ जहाँ हम चारा डालते हैं भेड़ों को। आप वीडियो में देखते रहो। हमने आज इसलिए उर्दू में वीडियो बनाया, बहुत से किसान भाइयों का कॉल आया अदर स्टेटों से, हमें कश्मीरी लैंग्वेज समझ नहीं आता, एक वीडियो डाइट पे बनाओ उर्दू में, इसलिए मैंने आज उर्दू में एक वीडियो बनाया, फिर दोबारा से डाइट का वीडियो बनाया। आपको एक बात याद रखना है, जो राब है वो सर्दियों में देना है खाली, गर्मियों में उसको मत देना, क्योंकि जो शीप होता है वो ऑलरेडी गर्म होता है, गर्मियों में उसको नहीं देना है। ये हमने कंप्लीट किया, इसमें हमने कंप्लीट डाला। अब भेड़ को छोड़ते हैं,
भेड़ को हमने छोड़ा खाने के लिए। आप देख सकते हो कैसे दौड़ के आते हैं चारा खाने। ये देखो उन्होंने चारा खाना शुरू किया, बहुत मज़े से खा रहे हैं और शौक से खा रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमें कॉल करते हैं, हमें लो क्वालिटी के ऐव चाहिए या लो क्वालिटी का कोई भी शेप चाहिए। उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो हमें कॉल ना करे लो क्वालिटी माल के लिए। हम यहाँ लो क्वालिटी के शेप नहीं रखते हैं। मैं उन किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको लो क्वालिटी के शेप चाहिए वो हमें कॉल ना करे मेहरबानी करके। बाकी अगर किसी भाई को इनमें से कोई शेप चाहिए या कोई भी हाइब्रिड शेप चाहिए हमारी यहाँ अवेलेबल रहता है हर वक्त। अगर किसी किसान भाई को चाहे वो हमसे कॉन्टेक्ट करे, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। खुदा हाफिज़।